गुस्सा है अभी क्योंकि कावड़े ने जो किया है उसके साथ वो शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा। लघु ने इतनी कोशिश करके इतने अपने आप को मना के एक अच्छा इंसान बना था, सच्चाई के रास्ते पे चला था, ईमानदारी से अपना पैसा जो कमा रहा था सब भूल गया था, अपना धंधा गुंडागर्दी सब भूल गया था। बट तावड़े ने उसे वापस मजबूर कर दिया गुंडा बनने पर। वो फिर भी वो उस सोच में था कि मैं बनूँ क्या करूँ, क्योंकि अब तो वो सब छोड़ चुका है। बट माइंड एक वो फाइनल मेरे अंदर कॉफिन जिसे कहते हैं वो करके उसे वापस अब अपने पुराने रास्ते पर लिया ही है। अभी तो रघु वापस गुंडा बन गया और इस शायद गुंडा बन के ही वो रघु तावड़े से बदला लेगा। लेकिन शायद वो गुंडागर्दी दिखाई नहीं दी, एक वो जो रहनी थी वो भी एक मतलब हाँ, क्योंकि रघु के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान ज़रूर है पर वो उसे मार नहीं सकता, किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। एक रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर है रघु, जो बुरा है उसके साथ बुरा करेगा। बट वही है, इस माहौल में पला बड़ा है तो गुंडागर्दी तो नेचुरली आ रही है उसमें आई हुई है, जो घर का माहौल है उसकी वजह से। बट डीप डाउन इनसाइड वो अच्छा इंसान है। अभी जो देखने में मिला इतनी तोड़ फोड़ हुई है घर के अंदर, वो अपनी जो नाराजगी आपने सारी संभालों पर निकाल ली, लेकिन तनक आपको संभालने की भी कोशिश कर रही है और कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, तो इसके बारे में वो तो रघु का कैरेक्टर ही ऐसा कि काफ़ी इम्पल्सिव है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस, वो सोचने के बिना एक्ट करता है और वही कर रहा है अभी, जो भी सामने आ रहा है तोड़ फोड़ रहा है। सात बच्चों का जो बोर्ड है इतने टाइम से घर पे लगा हुआ है और उसको देख देख के उसने वो वचन पूरे किए हैं, वो आज सारा मिटा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसे, अब कोई दिखा नहीं तो इन चीज़ों पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। बट धनक हमेशा की तरह उसको वापस याद दिला रही कि नहीं, तुम एक अच्छा इंसान जिंदा है, तुम जो है संभालोगे खुद को, इस सिचुएशन से भी हम लीगली बाहर आ सकते हैं। बट अभी रघु को कुछ नहीं दिख रहा, वो बस गुंडागर्दी करना चाहता है। देखते हैं कि आगे संभाल पाता है। थैंक यू सो मच। जी हाँ, गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मराठी नववर्ष होता है ये, और मैं उसी ओकेजन पे रंगोली बना रही हूँ और रघु आके मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मोमेंट होता है, मेरे रंग लग जाता है तो वो उसे साफ़ करते हैं और हम साथ में मिलकर रंगोली बनाते हैं, तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। अचानक एक गाड़ी आके रुक गई, ऑलमोस्ट हमारा एक्सीडेंट कर दिया। और इस बात पे जब किसी को भी गुस्सा आएगा, रघु तो ऑलरेडी गुंडा है, उसको कभी भी गुस्सा आ सकता है, और इस बात पे भी वो कुछ राड़ा करने वाला था, लेकिन उसने देखा कि चौल की पुरानी सदस्य नीलिमा हैं जो आई हैं और वो माई की खास दोस्त भी, बट उनके बीच वो आपस में अभी भी आँखों आँखों का दुश्मनी है थोड़ा सा, और इसीलिए रघु भी कंफ्यूज है कि अभी क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन काफी स्टाइल में मिले हैं, जी हाँ, क्योंकि वो सावित्री माई की दोस्त हैं और पटवर्धन जैसे जो नेता हैं उनकी बीवी हैं, तो रौलेदार हैं, रुआबदार हैं, और वैसे ही रुआबदार एंट्री की है उन्होंने। हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, बट जब हम देखते हैं कि उनके बीच दोस्ती हो रही है, फिर इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, उनके बीच सब कुछ सही है। और फिर वो मुझे कहती हैं जाओ तैयार होकर आओ कि आप पहन कर आई हो, फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं तैयार होकर आऊँगी। थैंक यू। रघु बहुत गुस्सा है अभी क्योंकि कावड़े ने जो किया है उसके साथ वो शायद वो कभी भूल नहीं पाएगा। रघु ने इतनी कोशिश करके इतने अपने आप को मना के एक अच्छा इंसान बना था, सच्चाई के रास्ते पे चला था, ईमानदारी से अपना पैसा जो कमा रहा था सब भूल गया था, अपना धंधा गुंडागर्दी सब भूल गया था। बट कावड़े ने उसे वापस मजबूर कर दिया गुंडा बनने पर। वो फिर भी वो उस सोच में था कि मैं बनूँ क्या करूँ, क्योंकि अब तो वो सब छोड़ चुका है। बट माइंड एक वो फाइनल मेरे अंदर कॉफिन जिसे कहते हैं वो करके उसे वापस अब अपने पुराने रास्ते पर लिया ही है।
अभी तो रघु वापस गुंडा बन गया और इस शायद गुंडा बन के ही वो रघु तावड़े से बदला लेगा, लेकिन शायद वो गुंडागर्दी दिखाई नहीं दी। एक वो जो रहेंगी थी वो भी एक मतलब क्योंकि रघु के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान ज़रूर है पर वो उसे मार नहीं सकता, किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। एक रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर है रघु, जो बुरा है उसके साथ बुरा करेगा, बट वही है इस माहौल में पला बड़ा है तो गुंडागर्दी तो नेचुरली आ रही है उसमें, उसमें आई आई हुई है जो घर का माहौल है उसकी वजह से, बट डीप डाउन इनसाइड वो एक अच्छा इंसान है। कि अभी जो देखने मिला इतनी तोड़ फोड़ हुई है घर के अंदर और जो नाराजगी आपने सारे सामानों पर निकाली, लेकिन तनक आपको संभालने की भी कोशिश करी है और कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, तो इसके बारे में वो तो रघु का कैरेक्टर ही ऐसा कि काफ़ी इम्पल्सिव है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस, वो सोचने के बिना एक्ट करता है और वही कर रहा है अभी, जो भी सामने आ रहा है तोड़ फोड़ रहा है। साथ बच्चों का जो बोर्ड है इतने टाइम से घर पे लगा हुआ है और उसको देख देख के उसने वो वचन पूरे किए हैं वो आज सारा मिटा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसे और कोई दिखा नहीं तो इन चीज़ों पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, बट धनक हमेशा की तरह उसको वापस याद दिला रही कि नहीं तुम एक अच्छा इंसान जिंदा है, तुम जो है संभालोगे खुद को, इस सिचुएशन से भी हम इलीगली बाहर आ सकते हैं, बट अभी रघु को कुछ नहीं दिख रहा, वो बस गुंडागर्दी करना चाहता है, अब देखते हैं कि आगे संभाल पाता है। थैंक यू सो मच।